खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और हमारे R9 टीवी को सब्सक्राइब करें। संघ प्रमुख मोहन भागवत का अहम बयान, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को बताया हिंदू, पहले भी ऐसा बयान दे चुके हैं भागवत। संघ चाहता है सबका साथ सबका विकास। देश में CAA और NRC पर मचा है घमासान, विपक्ष ने भागवत के बयान पर जताया ऐतराज। कोई भी हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, किसी भी उपासना पद्धति में पूजा करने वाला हो या किसी की पूजा न करने वाला हो, वह भारत माता का पुत्र हिंदू है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को हैदराबाद में हिंदुत्व पर बयान देकर एक बार फिर से पुरानी बहस को नई हवा देने की कोशिश की है। पूरे देश में पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण के राज्यों तक में नागरिक संशोधन बिल यानी CAA और NRC को लेकर घमासान मचा है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत का हिंदुत्व के समर्थन में ये बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। विपक्ष भागवत के बयान पर हंगामा खड़ा कर रहा है। NRC और CAA जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लाई है संविधान के खिलाफ और पूरी तरह से देश के गरीब लोगों को परेशान करने की भावना है। देश दुनिया के टॉप 5 बेस्ट इकोनॉमी वाले देशों में हमारा देश था, वहां से गिर गया मोदी शासन में। इनसे इकोनॉमी संभली नहीं जा रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा को कहा था 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा हर साल और 45 साल से सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इस देश में। सवाल यह है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, शायद मोहन भागवत साहब नहीं पढ़े होंगे, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लाइफ है। ये क्या है? ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को सेलिब्रेट करता है। संविधान में आर्टिकल 26 क्यों है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 क्यों है? इसलिए कि ये देश का कोई मज़हब नहीं है। RSS ये चाहती है कि भारत का, हिंदुस्तान का एक ही मज़हब हो जाए। वो नहीं हो सकता जब तक जो अंबेडकर ने संविधान बनाया है, आइन बनाया है, उसके मुताबिक इस मुल्क का एक मज़हब नहीं हो सकता। ये मुल्क सब मज़हब को मानने वाला है। हालांकि मोहन भागवत ने अपने बयान में रविन्द्रनाथ टैगोर का उल्लेख करते हुए कहा, राजनीति कभी अकेले देश में बदलाव नहीं ला सकती, बदलाव सिर्फ देश के लोग ही ला सकते हैं। भागवत ने कहा कि विविधता में एकता ही नहीं बल्कि एकता ही विविधता है। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित BJP की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने अनेकता में एकता का नारा दिया था। हैदराबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, सुनिए। हमारा देश परंपरा से हिंदुत्ववादी है, हमारे देश की सब बातें उसी को परिलक्षित करती है। मैं हिंदू कहता हूं तब किसी को छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि संघ जब हिंदू कहता है तो उसको पीछे 3 बातें हैं। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, भारत के जन जल जंगल जमीन जानवर सहित भूमि पर प्रेम करता है, उसकी भक्ति करता है, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, किसी भी उपासना पद्धति में पूजा करने वाला हो या किसी की पूजा न करने वाला हो, वह भारत माता का पुत्र हिंदू है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुत्व के इस बयान को लेकर विपक्ष पूछ रहा है कि जब मोहन भागवत देश के 130 करोड़ लोगों को हिंदू मान ही चुके हैं तो फिर देश में CAA और NRC की क्या जरूरत। देश में मचे घमासान के बीच मोहन भागवत ने एक बार फिर से देश में एक पुरानी बहस को हवा दी है। सवाल ये भी है, क्या देश के मुसलमान मोहन भागवत के बयान से सहमत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।
तो आपको बता दें कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 3 दिवसीय विजय संकल्प शिविर का आयोजन हुआ और यहां पर संबोधित कर रहे थे मोहन भागवत साहब। उन्होंने कहा कि चाहे कोई किसी प्रांत का हो, कोई किसी मजहब का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, कोई भी पूजा पद्धति उपासना करता हो किसी भी तरीके से, लेकिन वो अल्टीमेटली हिंदू है। अब वो हिंदू कैसे है ये जानने की कोशिश करेंगे, और वो हिंदू नहीं है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान, फैज अहमद फैज और वेदमूर्ति संघ विचारक, एक मुस्लिम स्कॉलर और एक संघ विचारक, दोनों हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। फेस टू फेस की शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू वेदमूर्ति साहब, पहले आप अपने तर्क रखिए जरा। देखिए, हिंदू जो जन है, जैसा कि हमारे संघ विचारक आदरणीय मोहन भागवत जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, और इसके पीछे उन्होंने तथ्य भी बताया, हिंदुस्तान ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति अगर कोई है तो वह हिंदू संस्कृति है। इसी सनातन संस्कृति से जितने भी धर्म, और मात्र एक धर्म है वह हिंदू धर्म है, बाकी जितने हैं वह मजहब है, पंथ है, संप्रदाय है, लेकिन विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथ हिंदू संस्कृति है। और हमारे देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जितने लोग हैं, तमाम मजहब के लोगों को यह आजादी दी गई थी कि यह हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, किसी के बाप की जागीर नहीं है हिंदुस्तान, किसी के बाप की जागीर नहीं है हिंदुस्तान। आप बताइए, हम ये कहना चाहते हैं कि आज आरएसएस जिन्ना के इशारों पर काम करती है, जिन्ना के विचारों पर काम करती जी है, नहीं, जिन्ना ने कहा था हिंदुस्तान में रहने वालों धर्म ये लोग एक दिन ऐसा होगा कि बताइए हिंदुस्तान में रहने का, हिंदुस्तानी होने का सबूत मांगेंगे। आज वो बात साबित हो गई, ये आरएसएस और भाजपा के लोग हिंदुस्तान में अपनी जागीरदारी कायम रखना चाहते हैं, जो किसी कीमत पे हम होने नहीं देंगे, हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान के हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर हिंदुस्तान में चलता है, सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, नहीं सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, वो किसी के बाप का हिंदुस्तान, वो सत्य है, किसी के बाप का हिंदुस्तान तोड़ हिंदू है, नहीं हमारा हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, आरएसएस के ये लोग इनका डीएनए कराइए, इनका डीएनए कराइए, ये मिस्र और ईरान से आए हुए मुसलमान, ये आरएसएस के लोग ईरान और मिस्र से आए हुए आर्यन और मिश्रा है, ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये हिंदुस्तानी नहीं है, हिंदुस्तान का अगर असल बाशिंदा है तो वो यहाँ का दलित है, यहाँ का मुसलमान है, दलित हमारे सर्वांग मुख्य अंग है, अरे आप तो दलितों का मंदिर में नहीं घुसते, अरे आप तो दलितों को, आप तो दलितों को मंदिर में नहीं घुसते, हमारे यहाँ दलितों का चीज समझते हैं, नहीं दलितों का दलित शब्द है ही नहीं, दलितों का चीज समझते हैं, आपको अपना नहीं मानता और आप दलित को अपना नहीं मानते, यही हमारे मोहन भागवत जी ने प्रयास किया है बताने को, मंदिरों में घुसने पर पाबंदी है, मुसलमानों को जगाने वाला हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ, मुसलमानों को डराने वाला हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ, हम मुसलमान हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, इसको आजाद कराने में हमारे बुजुर्गों ने अपना खून बहाया है, किसने? आप लोग तो अंग्रेजों के आप अपना डीएनए टेस्ट ईरान से आए हुए, आप मिस्र से आए हुए, हमारी पहचान ईरान मिस्र हिंदुस्तान, हम मुसलमान हैं, में सनातन धर्म की ध्वजा लहराती थी, देश को आजाद कराने में, आजाद कराने में आपने अपना खून बहाया है, हाँ। मोहन भागवत कौन होते हैं हमें हिंदू बताने वाले, मोहन भागवत वो वैसी जैसे उनकी जागीर नहीं है, ये उनकी जागीर नहीं है,
और जो निद्रा में सोया हुआ मुसलमान 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 का अगर सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो ओवैसी है। एक मिनट, हिंदुस्तान का मुसलमान भागवत तो क्या, भागवत के पूर्वजों से भी नहीं डरेगा। और ये जाहिलों की अनपढ़ों की सरकार, जो सरकार चलाना नहीं जानते, जो सरकार चलाना नहीं जानते, आप इतिहास देख ले, 130 करोड़ लोगों को 130 करोड़ लोगों को बेरोजगारी के मुद्दे से हटाना चाहते हो, समझे? अगर गरीबी के मुद्दे से चाहिए, गरीबी के मुद्दे से के पाठशाला मुसलमानों को आना चाहिए, के मुद्दे से ना कि वो ऐसी जैसी गद्दार मुसलमान के पाठशाला में पढ़ोगे तो अशिक्षित रहोगे, असंस्कारी रहोगे, गद्दार हो गए। ओवैसी और भागवत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नहीं नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपके बहुत बड़े मुसलमान है, हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं जी। कोई भाई करार हमें टच नहीं करता, हिंदुस्तान आंखों में आके डाल के बात कीजिए। हिंदुस्तान को आजाद कराने में हमने बराबर का खून बहाया। अरे आपके पूर्वज तो अंग्रेजों के मुखबिर थे, एफिडेविट और हलफनामे देकर माफिया मांगी अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों से माफी मांगने वाले आज देशभक्त बनते। अरे झूठे मक्कारों, हमें देशभक्त, हमें जी जी, वो तो आपका डीएनए ही बता रहा है कि आप देशभक्त हिंदू के वंशज हैं, हिंदू के वंशज हैं। आप तो ईरान के वंशज हैं, सुन लीजिए, अरे आप तो मिस्र के वंशज हैं, आपको तो अरब कंट्रियों से भगा के मार के भगाया था। अरे आप मार के भगाया था आप लोगों को कहां भगाया गया? आपको पाकिस्तान भी अपनाने के लिए तैयार नहीं है, हम ईरान है। अरे पाकिस्तान की औकात क्या है? अरे आपको हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है ना, हम हिंदुस्तानी है। हिंदू का वंशज है कि नहीं? हिंदू का वंशज है, हम मुसलमान है, और हिंदुस्तानी मुसलमान है, हम हिंदुस्तानी मुसलमान है। कोई हिंदुस्तान का माइका लाल हिंदू हमें माइका लाल, अरे आपको तो सीधा प्रमाण के साथ बात। अच्छा दोनों मेहमानों को यहाँ थोड़ा रोकूंगा, मैं चाहूंगा कि रोष के साथ विवेक का भी इस्तेमाल कर लिया जाए। मैं दोनों से सवाल लूंगा, उनसे भी सवाल लूंगा, उन पर भी सवाल दागूंगा जरूर। फैज अहमद साहब, आपसे मेरा सवाल यह है आपसे कि दरअसल किसी भी धर्म की, किसी भी रिलीजन की उत्पत्ति ओरिजिन कहीं से भी हो सकता है, वो सऊदी से हो सकता है, वो रोम से होता है, हो सकता है दुनिया के किसी और जगह से वो हो सकता है, लेकिन जो संस्कृति होती है ना, वो एक अपनी माटी में पनपती है। भारत जिसकी भुजाएं आज आप देखते हैं जहां तक फैला है, भारत जो सदियों से, इसकी एक संस्कृति हजारों सालों में बनी और हजारों सालों में यहां कई धर्मों का समावेश जो है होता चला गया। ऐसे में आपको लगता नहीं कि वाकई हम एक ही लोग थे? चाहे हम हिंदू थे, वो शुरू में सनातनी थे, उसके बाद हम दूसरे धर्मों को फॉलो करते चले गए, लेकिन हमारी संस्कृति एक है। और उस आधार पर अगर मोहन भागवत साहब ये कहते हैं कि हर कोई 130 करोड़ लोग हिंदू हैं, तो इसका क्या जवाब देना चाहेंगे आप? आजाद भारत के 70 सालों के इतिहास नहीं, में, मैं हजारों सालों की बात कर रहा हूं, हजारों साल की बात नहीं, ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात है, ये हिंदू और मुसलमान की बात है। हिंदुस्तान में रहने वाला, अल्लाह को एक मानने वाला मुसलमान है और हम मुसलमान हैं। कोई ताकत हिंदुस्तान की हमें हिंदू नहीं कह सकती, हम हिंदू कहलवाएंगे नहीं, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, मुसलमान हम मुसलमान हैं। मुसलमान लाखों साल से है दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मुसलमान लाखों साल से है, लाखों साल से, लाखों साल से प्रमाण है, दुनिया का सबसे, एक मिनट, प्रमाण है, दुनिया का प्रमाण है, सुन तो लीजिए, प्रमाण बताइए, सुन तो लीजिए, बताइए, सुन तो लीजिए, आपके वेद पुराणों में मिल जाएगा, सुन लीजिए, आपके वेद पुराणों में मिल जाएगा, आप बताइए, और सुनिए, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, एक सेकंड, दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ कुरान है या वेद? दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ कुरान है या वेद? अरे सुनिए, बताइए, दुनिया बताइए, दुनिया कुरान है या वेद? अरे सुन तो लीजिए, कुरान है या वेद? चीखना कुरान है या वेद? चीखना मुझे भी आता है, प्राचीन ग्रंथ कुरान है या वेद? दुनिया का सबसे पहला, अरे सुन लीजिए, पहले हिंदू था या मुसलमान?
पहले मुसलमान कुरान है या वेद? पहले मुसलमान कुरान है या वेद? दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति सबसे पहले आदम था और आदम और आदम ईश्वर का भेजा हुआ वो पैगंबर पढ़े लिखे हैं इसलिए इस्लाम को सबसे पहले दुनिया में आपको पता नहीं है इतिहास पता नहीं है आपके जिएगा जानकारी नहीं है बातें नहीं आपको जानकारी मुझे आप बताइए विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है विश्व की सबसे प्राचीन जो व्यक्ति है जो ग्रंथ है अरे अरे सुन लीजिए आप मुख कर्तव्य को नहीं मानते अरे सुनिए अरे आप सर्वोपरि कुरान को मानते हैं ना कुरान को मानते हैं आप सुनिए ना आप सर्वोपरि कुरान को मानते हैं सबसे लेटेस्ट लेटेस्ट है लेटेस्ट है लेकिन 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 कौन है अरे सुन लीजिए आदम आदम वो व्यक्ति है उसी तरह मुसलमान का जड़ सबसे पहले उतारा गया और वो मुसलमान था और वो खुदा का पैगंबर था आदम से पहले आदम से पहले दुनिया में कोई आदमी 1400 साल पहले कौन सन थे 1400 सुनिए ना सुनिए बताइए अरे पढ़े लिखो की तरह बात कीजिए कौन थे 1400 साल पहले मोहम्मद साहब से पहले दुनिया में हजरत ईसा आए हजरत मूसा आए अरे हजरत इब्राहिम आए हजरत याकूब आए हजरत यूसुफ आए हजरत नूह आए हजरत यहया आए हजरत हारून आए प्रमाण क्या है लूत आए प्रमाण प्रमाण है प्रमाण कुरान नहीं कुरान इससे पहले भी बहुत सारी कुरान से भी कुरान से भी आपके पास बड़ी चीज पर है सुन लीजिए आप बताइए कुरान में भी ये बात साबित की गई है कुरान अरे सुन तो लीजिए भाई नहीं सो बताइए अरे सुनिए कुरान में लिखा है क्या कि दुनिया के अंदर सबसे पहला मजहब इस्लाम है और मोहम्मद साहब का पहले किसने आसमानी किताब आसमानी किताब आसमानी किताब का है ये आसमानी किताब है समय लिमिट पीरियड 1500 साल 1500 साल बिल्कुल उसके पहले दुनिया नहीं थी क्या बिल्कुल थी कौन अरे सुन आ गए ना अरे उसके पहले दुनिया सनातन थी मोहन भागवत जी को अशिक्षित बोल रहे हैं अरे उनके चरणों का धूल नहीं है वो ऐसी और हमारे देश के मुसलमान और उनको अशिक्षित कर रहे हैं हो रही है वो ऐसी की बात करते हैं 25 करोड़ मुसलमानों को बात नहीं करते आने वाले मोहन भाग गए ना उनकी हैसियत नहीं है बस मैं यही चाहता हूं उनकी हैसियत नहीं है दर्शक लोग जान रहे हैं कि सत्ता क्या है हिंदुस्तान में आपने अपने मुख से कहा 1500 साल पहले अरे सुनिए ना 1500 साल पहले की इतिहास है इसकी तो 1500 साल पहले किताब में बात सुन लीजिए दर्शकों से ये भारी मुसलमान मात्र 1500 साल के हैं और आपके पास आज साक्ष में रूप में 5000 साल 10000 साल पहले हमारे यहाँ ऐसे ऐसे प्राचीन धरोहर आज भी विद्यमान है 1,00,000 साल पहले भी क्या निशानियां इस्लाम की मौजूद है मौजूद है अरे आप जाके तो देखिए आपने क्या देखा है आपने देखा क्या है अरे अपने मठों से निकलिए अपने आश्रमों से निकलिए आश्रम से ही निकलते हैं अपने आश्रमों से संघ आश्रम से नहीं चलता है संघ आश्रम से नहीं चलता है संघ में आने के लिए फील्ड में आना पड़ता है और हम लोग फील्ड में उतर के लोगों को जागृत करते हैं उनके 25 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बताने वाले उनकी इतनी औकात नहीं है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदू वो धन्य मानिए भागवत जी का जो आपके अंतःकरण में जगा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपके पूर्वज हिंदू है आपके पूर्वज हिंदू है और ये लड़ाना पड़ेगा और ओवैसी जैसे गद्दार को भी मानना पड़ेगा हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए ये सब हथकंडे हैं अरे ये सब हथकंडे हैं वर्तमान सरकार को जो है साधुवाद दीजिए सुनिए आज जो है सुनिए देश का मुसलमान थोड़ा पढ़ लिख रहा है उनको शिक्षा मिल रही है उनको स्वास्थ्य मिल रहा है अरे सुनिए अरे सुनिए आप लोग केले के पत्ते बांधकर जिंदगी गुजारने आपकी आइडियोलॉजी हमें सिखाएंगे जिंदगी हमें अरे वैसी आपका एजेंट है वैसी आपका एजेंट है हमारा नहीं मुसलमानों का कुछ गद्दार मुसलमानों का कुछ गद्दार मुसलमानों का मसीहा है मुसलमान देख और दुर्गति का कारण मात्र वैसी है आज भी अरे सुनिए भागवत के संघ की शिक्षा में आ जाओ आदमी बन जाओगे आदमी
अरे पहले अपने हाथ तो बन जाइए आदमी, अरे पहले अपने हाथ तो मैं बताता हूँ, कुरान कहता है, कुरान कहता है, बाइबल कहता है, ईसाई बनो, पर वेद कहता है मनुर्भवा, मनुर्भवा, मनुष्य बनो, मनुष्य, 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 अरे छोड़िए, अरे मनुष्य बनो, अरे बेरोजगारी पे बात कीजिए, अरे शिक्षा पे बात कीजिए, अरे जनसंख्या पे बात कीजिए, अरे हिंदू मुस्लिम एकता पे बात कीजिए, अरे रोजगार पे बात कीजिए, मुसलमान, अरे विकास पे बात कीजिए, हिंदू। अच्छा जरा रुक के सबसे ज्वलंत मामले पर बात कर लेते हैं, CAA को लेकर बात कर लेते हैं, इस पर भी बहुत ज्यादा विरोध जारी है लगातार। मुझे ये बताइए कि वाकई आज जो बात कही है मोहन भागवत साहब ने, मैं तो कहता हूं ये दोनों पक्ष में ठीक ठीक दोनों को समझ लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है उन्होंने कहा कि 130 करोड़ आबादी हिंदू है, तो फिर CAA का मतलब क्या है, NRC का मतलब क्या है? और आपसे भी मेरा यही सवाल है, ये बताइए कि अगर इस तरीके से कह दिया जाए कि 130 करोड़ सभी हिंदू हैं, उनकी संस्कृति एक रही, धर्म भले ही अलग हो गए, भाषा भले ही अलग हो गई, प्रांत भले ही अलग हो गए, तो फिर NRC लाकर आप डिवाइड क्यों क्रिएट करना चाहते हैं? आप क्यों नहीं पूछते मोहन भागवत साहब, क्यों नहीं पूछते अपनी सरकार से, ये फिर किस लिए, इसकी जरूरत क्या है? इनकी सरकार पूरी तरह जब हर कोई 130 करोड़ की आबादी हिंदू है, भाजपा और RSS की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। अच्छा, उसकी नाकामी, आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन है? अरे आप कौन होते हैं? अरे आप कौन होते हैं? जितने कट्टर लोग उतरे हुए हैं उससे ज्यादा वफादार लोग उतरे हुए हैं, आज सरकार के पक्ष में खड़े हैं। आज लाखों लोग सिर्फ जामिया में चार गद्दार खड़े होकर के उसको आप बड़ा बवाल मान रहे हो। अरे देश के गद्दारों को सर्टिफिकेट दिलाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ, क्या चीज़? अरे सर्टिफिकेट दिखाओ, मोदी के बाप का जन्म, अच्छा आगे ना अमित शाह के बाप का जन्म, अमित शाह का, अरे उसकी औकात क्या है? गद्दार में जो रोहिंग्या बांग्लादेशी आकर के भर गए हैं, उसकी औकात क्या है जी? उसकी औकात तो देख लिया ना अभी देखना मौलाना, अभी देखना आगे गुप्ती बन गई, अभी तो टेलर है, टेलर, अरे टेलर, धर्म के आधार पर देश मांग लिए और सिर्फ हिंदुस्तान में ही सेकुलरतापन का कीड़ा काटता है। हिंदुस्तान हमारे बाप का है, है ना? हिंदुस्तान तो बाप आपका हिंदू रहा है, ये भी ध्यान रख लो। हम मुसलमान हैं जी, हम मुसलमान हैं जी, और ये लोग कौन होते हैं? ईमान तो रखो, इनकी औकात क्या है? ये हमसे प्रमाण, जो राष्ट्र में ईमान न रखता हो वो मुसलमान का है। अरे आप दलालो, चलिए ठीक है जी, ठीक है, बहुत हो चुका आपका आमना सामना। आचार्य वेदमूर्ति जी, फैज अहमद फैज साहब, अब इस चर्चा को रोकेंगे, इस आमने सामने को रोकेंगे, लेकिन कुल मिलाकर यह समझ आता है कि पहले हम सुना करते थे छोटे हुए होते हुए कि मजहब नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखना, लेकिन अब मजहब सिखाता है नहीं सिखाता है, अब तो यह दौड़ शुरू हो गई है कि हम आपसे पहले थे, हम आपसे बड़े थे, हम उससे भी पहले थे। कौन पहले था, कौन नहीं था, क्या वाकई ये देश की जरूरत है? हमने चर्चा इस बात पर करवाई कि इन बातों से उलझ कर एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाए, ताकि जो देश में करंट मुद्दे चल रहे हैं वहां पर हमारा गौर जाए, वहां पर हम गौर फरमाए। अब CAA हो गया या फिर दूसरी बातें हो गई, लगातार ये बातें सामने आ रही हैं, इसमें अगर मजहब के हिसाब से देश चलेगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, फैज अहमद फैज साहब और आचार्य वेदमूर्ति साहब, फेस टू फेस में आप दोनों का मुकाबला हुआ, हालांकि क्या निष्कर्ष निकला दुनिया खुद देखे, दर्शक खुद देखे और खुद ही इस बात का अंदाजा लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार।